प्रॉपर्टी के कारक मंगल देव का गोचर कन्या राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देगा अगले 55 दिनों तक। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मंगल के होने वाले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। अगर आप देखें कुंडली में तो मंगल अभी तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, जहां पर गुरु बृहस्पति मौजूद थे, गुरु के साथ उनकी युति थी। लेकिन अभी इस अगस्त के महीने में आने वाली 26 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल बुध की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि कन्या राशि के लोगों के लिए उनके दसम भाव में, करियर के भाव में मंगल का गोचर होने वाला है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि करियर के भाव में मंगल आए हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मंगल जो है वो योद्धा होते हैं। मंगल को नव ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। वो एक योद्धा की तरह काम करते हैं, जो काम हाथ में ले लिया उसे पूरा करके छोड़ेंगे। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, जमीन जायदाद के कारक हैं, मंगल युद्ध के कारक हैं, सेना विभाग, पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, इन चीजों से जुड़े हुए जो जॉब हैं, उनके कारक मंगल देव होते हैं। आत्मविश्वास देने वाले मंगल हैं, एनर्जी के कारक मंगल हैं, उतावलेपन के, जल्दबाजी के कारक भी मंगल ही हैं। तो अगर आप देखें तो अचल संपत्ति, जमीन जायदाद, साहस वीरता जो दिखानी होती है ना, किसी के साथ लड़ना है तो उसके लिए मंगल देव उसके लिए कारक है। कुछ लोगों को देखा होगा बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, लड़ने को तत्पर रहते हैं, उनके लिए मंगल बड़ा बलवान होता है, या आप कहें तो मंगल बेड़ा भी होता है। बिजली के कारक और प्रशासनिक नेतृत्व करने के कारक भी मंगल देव हैं। अब मंगल का ये गोचर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर 2024 तक रहेगा, यानी लगभग 55 दिनों तक मंगल मिथुन राशि में रहेंगे आपके करियर के भाव में। और यहां बैठकर ये आपके पूरे जीवन के, आपके जो विभिन्न क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र है, उन सभी पर प्रभाव डालेंगे। करियर हो गया आपका, नौकरी हो गई, व्यापार हो गया, प्रेम विवाह हो गया, प्रेम जीवन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हर एक चीज पर। अब कैसे होंगे कारक, वही प्रभाव क्या होंगे, चले जाते हैं। तो देखिए, ये बुध की राशि है और बुध की ही राशि में मंगल का विचरण हो रहा है। मंगल और बुध को अगर आप देखें, मित्र तो बिल्कुल भी नहीं है, शत्रु राशि होती है दोनों की। लेकिन जो दसवां भाव होता है, इसके कारक मंगल देव होते हैं और दसवें भाव में अगर मंगल बैठे हैं तो व्यक्ति को बहुत अधिक काम के प्रति समर्पित कर देते हैं। तो करियर के लिहाज से अगर मैं आपके कहूं तो आप अपने काम को लेकर प्रतिबद्ध रहेंगे, अपने काम पर पूरा फोकस करेंगे, मेहनती होंगे, कठोर परिश्रम करने वाले होंगे, यानी काम हाथ में ले लिया तो करके ही छोड़ेंगे। जैसे युद्ध है ना, युद्ध को करना है, जीतना है, वैसे ही आपका रहेगा। चाहे आप नौकरी करते हो तो नौकरी को लेकर आप बहुत ज्यादा अपनी नौकरी के प्रति समर्पित रहेंगे। अपने लक्ष्य का आपको पता होगा कि क्या आपका लक्ष्य है, क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे सोर्सेज हैं इनकम के, वो भी आपके लिए बड़े मायने रखेंगे, उनसे भी आप कहीं ना कहीं पैसा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ एक चीज जरूर है कि भाग्य का सपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। अब मंगल यहाँ बैठकर, तीन दृष्टियां होती हैं मंगल की, चौथी, सातवीं और आठवीं। अब पहली दृष्टि आपके लग्न पर जा रही है, जो आपको बहुत एनर्जी देने वाली होगी, एग्रेसिव भी बनाएगी, थोड़ी क्रोध भी देगा आपको, लेकिन मेहनती बनाएगी। मंगल की दृष्टि लग्न पर है, यानी कि आप शरीर से मेहनत करने वाले होंगे, आपके अंदर वो क्वालिटी होगी, साहस होगा आपके अंदर, वीरता होगी आपके अंदर, उतावलापन भी होगा, अपने छोटे भाई बहनों का भी आप सपोर्ट कर पाएंगे, अपने काम पर पूरा फोकस कर पाएंगे, चाहे फिर वो आपका बिजनेस हो या आपका साझेदारी में काम हो, कोई काम हो तो उस पर आप ध्यान दे पाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में अगर आप देखें तो अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जिसको गुप्त भाव कहते हैं या मृत्यु भाव भी कहते हैं। और मंगल आपके यहाँ तीसरे घर के स्वामी होते हैं, जो छोटी यात्राओं का, छोटे भाई का और आपके हार्डवर्क को दिखाता है। तो हार्डवर्किंग तो है अपने काम को लेकर, और साथ में अपने पूरा फोकस आप करके चलेंगे इस महीने में। थोड़ा ध्यान भी रखना है, क्रोधता आपके अंदर देखी जा सकती है, एग्रेसिव आप हो सकते हैं, तो उस समय अवधि में आपको बस डिसीजन लेते समय थोड़ी सावधानी रखनी होगी। पैसे की बचत जरूर कर पाएंगे इस समय, अपनी बचत करने की तरफ आप ध्यान देंगे। एक सीधी दृष्टि
मंगल की चौथे घर पर जा रही है। चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का, जमीन का, जायदाद का, वाहन का, माता का। अब यहाँ क्या होगा, मंगल दृष्टि डाल रहे हैं चौथे भाव पर, और चौथा भाव है कौन सा, बुध गुरु का भाव है, गुरु बैठे हैं आपके भाग्य भाव में, तो जमीन से भी लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलेगा। आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की खरीदारी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, इस तरह की चीजों में। वाहन का आप खरीद सकते हैं, पुराने वाहन को बेच भी सकते हैं। तो ये सभी चीजें इस समय आपके लिए फायदेमंद स्थितियां लेकर आई हैं। माता की सेहत थोड़ी प्रभावित हो सकती है, और माता के साथ थोड़ा बनाकर चले, क्योंकि कहीं ना कहीं शत्रु राशि में तो बैठे ही हैं मंगल, तो माता के साथ थोड़ा सा बनाकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो ज्यादा अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। अब हालांकि गुरु थोड़ा अच्छे कार्य करने का काम करेंगे यहाँ पर, लेकिन आपके पंचम पर भी दृष्टि जा रही है मंगल देव की। पंचम भाव शेयर मार्केट का है, पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है, प्रेम का है, पूर्व जन्मों का है। अब यहाँ जो दृष्टि जा रही है तो क्या होगा, संतान की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, सेहत प्रभावित हो सकती है, उनके पढ़ाई के प्रति थोड़ा ज्यादा समर्पित रहें, बीच बीच में सारी चीजों पर अपनी नजरें बनाकर रखें, एडमिशन की अगर तैयारी चल रही है तो उस पर नजरें बनाकर रखें, अपने जो बच्चे हैं उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं, ये समय उनके साथ वक्त बिताने के लिए अच्छा है। अगर आप उनसे बातें करेंगे, उनकी बातों को आप अच्छे से सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में उनकी सेहत का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, हालांकि इसके स्वामी यहाँ छठे में बैठे हुए हैं, सेहत को ध्यान रखें, लेकिन एजुकेशन के लिए मैं कहूंगी काफी अच्छा रहने वाला है। एजुकेशन के लिहाज से आप अगर बिजनेस से जुड़े हुए, बिजनेस मैनेजमेंट का आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आईटी फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का काम करते हैं या इलेक्ट्रिकल चीजों के कोर्सेज आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छे रहने वाले हैं। अब रिश्तों की बात करते हैं तो प्रेम जीवन के लिए मैं कहूंगी ठीक ठाक है। वैवाहिक जीवन आपका जरूर अच्छा रहेगा, विवाह संबंधी चीज अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी, अपने पार्टनर के साथ आपका बॉन्ड अच्छा रहेगा, तो वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ स्थितियां अच्छी बनी हुई हैं। और शिक्षा के लिए मैं बता ही चुकी हूँ। बाकी हेल्थ का अगर देखें तो देखिए हेल्थ तो ओवरऑल अगर कहेंगे तो ठीक ठाक रहेगी, बीच बीच में थोड़ी सी उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है, मौसमी बीमारियां थोड़ा परेशान कर सकती हैं, लेकिन और थोड़ा वात संबंधी, पित्त संबंधी, अच्छा खून संबंधी भी थोड़ा ब्लड इन्फेक्शन अगर ऐसा होंगे, ये चीजें थोड़ा सा आपको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं जिनको पहले से थोड़ी दिक्कतें हैं उनके लिए ज्यादा यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। एक तो ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या मंगल देव का जो बीज मंत्र होता है उसका आप जप कर सकते हैं, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और साथ में भगवान गणेश की आराधना जरूर करें, क्योंकि ये बुध की राशि है, भगवान गणेश की आराधना करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहने वाला है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाएं। जय माता दी।